हाँ हाँ बाबा आ रही हूँ। एक तो तुमने दिन भी ऐसे ही चुना है, घर में फंक्शन है। हाँ नहीं तो टाइम पर आ जाना, वरना तुम्हें तुम्हारी आजादी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक बहुत ही जरूरी काम में बिजी होने वाला हूँ। कि तुम बात बात पर धमकी क्यों देते रहते हो? हाँ बोल दिया ना आ रही हूँ तो बस। सीरत कहाँ जा रही है? साहिबा साहिबा क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रही है? पहले तो ये बता कि तेरा ये ब्रेसलेट मेरे कमरे में कैसे आया? अरे शुक्र है मेरा ब्रेसलेट मिल गया, तुझे पता है मैं कब से पूरे घर में ढूंढ रही थी। थैंक गॉड मेरे सवाल का जवाब दे दी। तेरा ब्रेसलेट मेरे और अंगद के कमरे में क्या कर रहा था? साहिबा अब ब्रेसलेट के पैर थोड़ी ना है जो खुद चलकर तेरे कमरे में आ जाएगा। मैं आई थी तेरे कमरे में तो शायद तभी गिर गया होना। लेकिन तू मेरे कमरे में आई क्यों थी? साहिबा मम्मी जी के एंगेजमेंट है, मेरी सास है तो मुझे भी उन्हें कुछ देना चाहिए ना, तो मैं तुझसे पूछने के लिए आई थी कि मैं क्या गिफ्ट दूं उन्हें। अच्छा ला मेरा ब्रेसलेट दे। और अभी कहां जा रही है? वो बताया ना। झूठ मत बोलना दी, मैंने तुझे कहते सुना है कि तू कह रही थी कि मैं आ रही हूं। और क्या कह रही थी? कि तू कमाल का दिन चुने। किस चीज के लिए कमाल का दिन चुने? अच्छा वो मुझे मम्मी जी का गिफ्ट पिक करने जाना है ना, तो बस गिफ्ट। तो ये धमकियों का क्या चक्कर है? कौन धमकी दे रहा है तुझे? मैंने तेरी सारी बातें सुनी थी, मुझे सच पता कि चल क्या रहा है। अब इसे क्या जवाब दूं? फिलहाल तो बस तेरा दिमाग चल रहा है और वो भी वेले। वो मैं तो दुकानदार से बात कर रही थी, तुझे पता है वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं गिफ्ट पिक करने नहीं आई ना तो वो घर पर भिजवा देगा। अब ऐसे तो मेरा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा ना, तो बस मैं गिफ्ट पिक करने जा रही हूँ। चल आती हूँ मैं। हाँ क्या छुपा रही है तू दी? तुझसे क्या छुपाऊंगी साहिबा, तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। घर में फंक्शन है, एंगेजमेंट है, सब लोग आ गए हैं, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ हेलो हाँ जी आप लोकेशन पर आ जाइए, मैं भी बस पहुंच रही हूँ जी। कैब से क्यों जा रही है? ड्राइवर ले जा। घर में फंक्शन है साहिबा, किसी को भी ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ और बस जल्दी से आ जाती हूँ। चल हाँ। सीरत मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी, इतना स्माइल करके, ऐसा तभी करती है जब इसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। लेकिन अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में, पता लगाना पड़ेगा।